अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मारिया कोकब, योर मैथ्स मेंटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेकर। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इट्स टाइप। इन दिस वीडियो आई एम मेकिंग द कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ गाइस, आई हैव सिक्स डिफरेंट वेज, सिक्स डिफरेंट मेथड टू सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एक करके मैम इनके नाम और इनको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल से आपको समझाती हूं। फर्स्ट मेथड इज अम्ब्रेला मेथड। हियर वी हैव टू क्वेश्चंस, व्हेन डू वी अप्लाई एंड हाउ डू वी अप्लाई। तो अम्ब्रेला मेथड को कब अप्लाई किया जाता है? जब भी हमारे पास कोई से भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम अम्ब्रेला मेथड का यूज करते हैं। कोई से भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, तो हम अम्ब्रेला मेथड का यूज करते हैं। तो चलते हैं अम्ब्रेला मेथड को किस तरह अप्लाई किया जाता है वो सीखते हैं। अम्ब्रेला मेथड में जो फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म के साथ और इसी फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर सेकंड टर्म को जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन की है उसको फर्स्ट टर्म के साथ और फिर सेकेंड टर्म के साथ अप्लाई किया जाता है और ये है हमारे पास अम्ब्रेला मल्टीप्लीकेशन मेथड कह लें या अम्ब्रेला मेथड इसको बोल दें। इन मेथड के नाम आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये जस्ट मैंने स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए शॉर्टकट सा नाम दिया है इसको अम्ब्रेला मेथड। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। x into x आ जाएगा प्लस x को y टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x into y आ जाएगा। सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा y into x, यहां माइनस है y into y। मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस xy माइनस yx माइनस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग ये आंसर है। सेकंड मेथड इज टेक स्मॉल पावर प्लस मल्टीपल नंबर एज कॉमन। तो सेकंड मेथड अप्लाई कब किया जाता है? जब हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो, जैसे कि देखें एक सेब है, सेब को जब भी आपने बाइट लेनी होती है तो पहले आप उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास सेकंड मेथड हम कब अप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होगी तो पहले हम उसकी पावर्स को छोटे स्मॉल पीसेस में स्प्लिट करेंगे और फिर मल्टीपल को स्मॉल पीस में स्प्लिट करके फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे एंड देन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हो जाएगी। ये अप्लाई कब किया जाता है? सम टाइम हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन की होती है कि सॉल्व एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू लोएस्ट फॉर्म,
या इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी हमारे पास लोएस्ट फॉर्म की बात की जाए या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की जाए और हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड पावर्स में हो, तो तब हम सेकेंड मेथड को अप्लाई करते हैं। द बोर्ड आई एम राइटिंग द एग्जांपल ऑन द बोर्ड एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं और दोनों एग्जांपल आप देख लें कि यहाँ पे कुछ एक्स की पावर्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और वाई की भी पावर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। यहाँ पे भी आप नंबर्स भी देख लें और पावर्स भी देख लें तो कॉम्प्लिकेटेड आ रही हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जहाँ पे कुछ पावर्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ आपके पास मल्टीपल्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हम सेकेंड मेथड को अप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखते हैं। फर्स्ट थर्ड टेक स्मॉल पावर देखें एक्स फाइव स्मॉल है या एक्स टू स्मॉल है। एक्स टू स्मॉल है तो हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से एक्स टू को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक्स की न्यूमिनेटर में पावर बच गई थ्री और नीचे हमारे पास x की कोई भी पावर नहीं रहती। y की पावर x y सेवन स्मॉल है या y नाइन स्मॉल है, तो हमने स्मॉल पावर को कॉमन लेना है। तो y यहां देखें y की कौन सी पावर स्मॉल है, y सेवन, तो y सेवन को हमने कॉमन लेना है। तो यहां आ जाएगा y सेवन, न्यूमिरेटर में से y7 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में से भी y7 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास न्यूमिरेटर में तो कुछ भी नहीं बचता y की पावर में और यहाँ पे हमारे पास y2 बच जाएगा। पावर्स पे तो हमने ये मेथड अप्लाई कर लिया। अब बात करते हैं मल्टीपल नंबर, तो आप देखें यहाँ पे मल्टीपल 4 है तो 32 को किस तरह से हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 8 जा 32 और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो इसको अब मजीद सिंपलीफाई करते हैं, एक्स टू से कैंसिल हो जाएगा, वाई सेवन से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 8 एक्स 3 वाई स्क्वायर, 4 और 4 गेटिंग कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ अमाउंट रह गई 8x3y स्क्वायर इज द आंसर। सेकंड एग्जांपल में फिर से हम स्मॉल पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो क्या करेंगे स्मॉल पावर, m5 स्मॉल है, m4 स्मॉल है या m6 स्मॉल है, तो डिनोमिनेटर में से m4 स्मॉल है तो m4 को कॉमन ले लेंगे और ऊपर से भी m4 को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास न्यूमिरेटर में वैल्यू बच गई m स्क्वायर और यहाँ हमारे पास वैल्यू m4 में कुछ भी नहीं रहता, माइनस यहाँ m स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि 4 हम डिनोमिनेटर से कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया और यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया। इसके बाद x की पावर देखते हैं, स्मॉल पावर क्या है, x3, x8 या x6, x3 इज द स्मॉल, तो न्यूमिरेटर से x3 स्मॉल पावर कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ न्यूमिरेटर में x की कोई भी पावर नहीं बचती, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में x3 कॉमन लेने के बाद x5 रह जाएगा और यहाँ पे x3 कॉमन लेने के बाद x3 रिमेनिंग रह जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं मल्टीपल नंबर एज कॉमन, तो अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि इन सब का मल्टीपल हो, तो इन सब का मल्टीपल है 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 को भी हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहां भी x3 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ आ जाएगा m4 x3 2 m square, यहाँ से भी 9 कॉमन ले लेंगे
ये 9 कैंसिल हो जाएगा, M4 कैंसिल हो जाएगा, X3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर में रह जाएगा 2m² 3x5 - 4m² x3। सेकंड मेथड को अप्लाई करने के बाद अब हम 3 और 4 मेथड को एक साथ सॉल्व करते हैं। और थर्ड वन इज यूज आइडेंटिटीज इन प्रॉपर वे एंड फोर्थ वन इज यूज आइडेंटिटीज इन रिवर्स वे। आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो गेट माई वीडियोज बाय क्लिकिंग द आई बटन। होता क्या है कि हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी है, लेट्स सपोज हमारे पास ये आइडेंटिटी है x² - y² = x + y x - y। आप देखें इसमें इक्वल के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको ये एक्सप्रेशन दोनों तरफ से याद करना होता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो जब हम प्रॉपर वे की बात करेंगे तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो इस तरह गिवन होगी, लेफ्ट साइड पे गिवन होगी और हमने राइट साइड लिखनी है। और जब रिवर्स में की बात करेंगे तो हमें राइट साइड गिवन होगी और हमने लेफ्ट साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लिखनी है। इससे आसान कोई और नाम मैं इस मेथड को नहीं दे सकती थी। तो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरह इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, मैं 4 एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख चुकी हूँ, आप इसको सीखते हैं कि किस तरह आइडेंटिटी को प्रॉपर वे में यूज करते हैं और किस तरह आइडेंटिटी को रिवर्स वे में यूज करते हैं। x3 + y, इस आइडेंटिटी का हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, x3 + y = x + y, x² - x + y, इसमें a है x और b है 1, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो अप्लाई कैसे करना है कि हमारे पास ये साइड गिवन है और हमने डायरेक्टली ये साइड यहाँ पे न्यूमेरेटर में लिख देनी है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x + 1 x² - x + 1 / x + 1। This is the proper use of identity. x + 1 getting cancelled, we have x² + 1. Second question की तरफ आ जाएं, x3 + 1 numerator में proper way use हो रहा है identity का और denominator में improper use हो रहा है। तो यहाँ पे देखें x³ + y फॉर्मूला ये हो गया, ये ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, इसको जस्ट आपने न्यूमिरेटर में आपने जस्ट पुट कर देना है। यहाँ की बात करें स्क्वायर की, यहाँ स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ 3 फॉर्मूलाज होते हैं, कौन से, x² - y² जो कि होता है x - y x + y, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है x - y² x² - 2xy + y² और तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है प्लस के साथ x² + 2xy + y². अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फैक्टर की प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे देखें हमें 3 टर्म्स गिवन है, तो यहाँ पे हम ये वाले 2 में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्योंकि हम रिवर्स में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाली हमने टर्म्स देखनी है कि मोस्ट रेलिवेंट कौन सी टर्म है, तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस है और इस वाले फॉर्मूले में प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस है। अब चेक करते हैं यहाँ पे एक्स क्या है और वाई क्या है। एक्स की वैल्यू हम एक्स और वाई हम ले लेंगे 2।
अब हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे y 2 लेना है, क्योंकि y square होता है, यहाँ पे y square is equal to 4 है, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 लेनी है। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, x की वैल्यू, x की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस 2, x माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा रिवर्स मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं और प्रॉपर वे यूज ऑफ आइडेंटिटी क्या है। These two questions, please note them. These two questions are for DIYs. I would like to see your answer in the comment section below. Fifth method is fraction. अब ये कब अप्लाई करना है आपने, जब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, प्लस और माइनस भी हो, तो तब हम फ्रैक्शन मेथड को यूज करेंगे। आई एम गिविंग द एग्जांपल एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस। यस गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जांपल। फ्रैक्शन कब हम अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन का यूज कब करते हैं, जब आपके पास फ्रैक्शन की टर्म्स में प्लस या माइनस कोई भी साइन हो सकता है हो। तो अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पे हमारे पास यूज ऑफ आइडेंटिटी इन अ प्रॉपर वे वाला मेथड हमने यूज करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर ये माइनस के साथ है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस x प्लस 1, प्लस x इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो फॉर्मूला x माइनस 1, x प्लस 1 होगा। यहाँ पे बहुत ही एहतियात के साथ आपने फ्रैक्शन को अप्लाई करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या करना है, आपको पता है डिनोमिनेटर एक ही हो जाएगा, x माइनस 1 दो दफा है तो इसको आपने एक ही दफा लिखना है, x प्लस 1 है यहाँ और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप देखें डिनोमिनेटर चेक करें, x माइनस 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है और x प्लस 1। नोट कीजिएगा कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर है वो दो दफा नहीं लिखा जाएगा, उसको हम एक दफा लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, x माइनस 1 यहाँ पे है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी है, तो ऊपर x प्लस 2 के साथ डिनोमिनेटर की कौन सी वैल्यू अप्लाई होगी, ये भी ऑलरेडी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो x प्लस 1 होगा, प्लस ये x और यहाँ देखें x माइनस 1 भी है, x प्लस 1 भी है, तो ये वाली टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाय द यूज ऑफ अम्ब्रेला मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, यूज ऑफ अम्ब्रेला यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है अम्ब्रेला मेथड के साथ, तो यहाँ आ जाएगा x को x के साथ, फिर x प्लस 2x प्लस 2 प्लस, यहाँ पे देखें दो एक्सप्रेशंस थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में थे, तो देन हमने अम्ब्रेला मेथड का यूज करना था, तो मैं यहाँ पे इसीलिए अम्ब्रेला मेथड का यूज कर रही हूँ। डिनोमिनेटर में चेक करें तो x माइनस 1, x प्लस 1 ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का, और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। ऊपर सॉल्व करते हैं, न्यूमिनेटर में x स्क्वायर ये है और एक x स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x ये है, x ये है और x ये है, तो 2 सबके साथ प्लस साइन है, तो सिंपल हम इनको प्लस करेंगे कोफिशिएंट्स को, 2 1 4 प्लस 4x
और फिर हमारे पास एक्स क्यूब एक ही एम प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे फिफ्थ। आई होप कि आपको फिफ्थ वन फ्रैक्शन रूल किस तरह अप्लाई करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। लास्ट वन वी हैव फैक्टराइजेशन मेथड और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इंशाल्लाह आई अपलोडेड दिस वीडियो ऑन द बेस ऑफ फैक्टराइजेशन वेरी सून। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।